हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिविंग साइंस का फर्स्ट लेक्चर लिया था और हमने उसको रफेज से पहले तक कंप्लीट कर लिया था। रफेज से पहले आपको मैंने प्रोटीन बताए थे, कार्बोहाइड्रेट्स बताए थे, विटामिन्स बताए थे, मिनरल्स बताए थे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? एनर्जी करने के लिए एनर्जी देते हैं वर्क करने के लिए। फैट्स हमें क्या देते हैं? हमारे जो एनर्जी है उसको स्टोर करके रख लेते हैं और वो ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिजीजेस से फाइट करने के अंदर। मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या करते हैं? हमारी बोन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स का अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि रफेज। क्या है रफेज? रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन अवर फूड। रफेज क्या होता है? फाइबर होता है। क्या होता है? फाइबर, जो कि हमारे भोजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट एड्स बल्क टू द फूड। तो जो हमारे पास रफेज होता है ये क्या होता है? फाइबर होता है जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, रफेज वाली चीज जैसे गोभी, गोभी खाते हैं आप लोग, तो गोभी क्या होती है? एक प्रकार की रफेज होती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत प्रॉपरली वर्क करता है। क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, तो ये ना ग्रेन्स के अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, वेजिटेबल्स के अंदर होता है, नट्स होते हैं उसके अंदर होता है और बीन्स के अंदर होता है। अब अगला जो न्यूट्रेंट होता है वो होता है वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूट्रेंट होता है वो क्या होता है? वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होते हैं? हमारे जो न्यूट्रेंट्स होते हैं विटामिन्स जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं। काई के अंदर होते हैं? वाटर के अंदर। और वाटर इन इटसेल्फ इज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, हमको वाटर पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे हमको क्या करते हैं? सलाइवा बनाने में हेल्प करता है। ये हमारे जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखता है और ये हमारे जो बॉडी का जो वेस्ट है ना उसे फ्लश कर देता है। ठीक है, और इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी मेंटेन होता है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। कैसे फंक्शन होगा? हमारा सलाइवा फॉर्म करेगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसे फ्लश कर देगा और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा और हमारी स्किन जो होती है ना उसके कलर को फेयर करता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। क्या चाहिए? बैलेंस डाइट। अब हम काय के बारे में पढ़ेंगे? बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? ऐसी डाइट जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हो और वो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी और किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लिए जाए। ठीक है, अ बैलेंस डाइट हैज द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो एक बैलेंस डाइट के अंदर हमको सारे न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है। ठीक है, और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फैट्स ही फैट्स खाते हैं। अगर आप ज़्यादा फैट्स खा लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अगर अपने डाइट के अंदर का फैट्स ही नहीं लेंगे तो आपको एनर्जी स्टोर कैसे करेंगे आप? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। जो भोजन हम खाते हैं वो हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता कि भाई हमने खा लिया और हमको एनर्जी मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको क्या करना पड़ता है? उसे स्मॉलर फॉर्म में हमें उसे ब्रोक करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, इसको अंडरलाइन कर लो सब लोग अपनी अपनी बुक के अंदर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। जो हम भोजन खाते हैं उसको हमको छोटे हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में करना, उसे सिंपलर फॉर्म के अंदर चेंज करना, उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग? डाइजेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इन आवर स्टोमक। ठीक है, एक ये प्रोसेस होती है जो हमारे हम जो भोजन करते हैं उसको हम चेंज कर सकें। ठीक है, ताकि हमको सारे न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल सके। तो ये हमारा क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ये होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड, ये दिख रही है आपको? ठीक है, ये होता है माउथ जहाँ से आप खाना लेते हो। सलाइवरी ग्लैंड मतलब थूक जो होता है ना, हमको थूक निकलता है, वो सलाइवरी ग्लैंड निकलता है। और थूक हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमारे
हमारे डाइजेशन के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट होता है पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को कि सलाइव हमारी बॉडी के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बताओ, सोचो। नहीं पता है तो भी हम आगे देख लेंगे, इसके अंदर हमारे जो चैप्टर है ना इसके अंदर दे रखा आपको, क्योंकि एक लिक्विड होता है जो कि हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ये फूड पाइप होता है, भोजन नली होती है, ये दिख रही है ना आपको, इससे खाना कहाँ जाता है? हमारे पेट के अंदर। और पेट के पहले क्या होता है? लिवर होता है। क्या होता है? लिवर। ठीक है, हम एक एक सबके फंक्शन पढ़ेंगे। आपके मन में वो हो रहा है ना, क्वेश्चन उठ रहा है कि मैम ये क्या करता है, तो आपको मैं बताऊंगी एक एक करके। हम ये पैराग्राफ जो पढ़ेंगे ना, जो इधर दे रखा है, उसके अंदर सबके फंक्शन है। ये स्टोमक, स्टोमक मतलब आपका पेट, पैनक्रियाज, ये देखो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पैनक्रियाज है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब आते हैं। हमारे पास दो इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये हमारी बॉडी का सबसे एंड पार्ट होता है, एनस। यहाँ से हम जो हमारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो हम निकाल देते हैं, हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक मिनट, उससे पहले फैक्ट है, इन अवर इंटेस्टाइन वी आर नॉट कॉइल्ड बट स्ट्रेट, वी हैव हैड टू बी नियरली 33 फीट टॉल। अच्छा, तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो आपको ऐसा लग रही होगी कि ये कॉइल्ड है, कॉइल्ड मतलब घुमाओ घुमाओ है, ऐसा नहीं है। हमारी इंटेस्टाइन क्या होती है? बहुत लंबी होती है, इसकी वजह से उसको ऐसे रख रखा है। कितनी होती है? 33 फीट होती है। 33 फीट कितना होता है? एक साड़ी के बराबर, एक साड़ी के बराबर आपका 33 फीट होता है। तो उसे पेट के अंदर कैसे रखना है? हम उसे फोल्ड करके रखेंगे ना, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो हमारा फूड जो डाइजेस्टेड हो जाता है तो वो हमारा ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको पूरी बॉडी के अंदर हम ट्रांसफर कर देते। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द प्रोसेस, मैंने बताई थी, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ओके, तो डाइजेशन यानी खाने को पचाना। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इनटू आवर माउथ, आवर टीथ बाइट एंड च्यू द फूड एंड break it into small pieces, okay? So, सबसे पहले digestion की process कैसे start होती है? Suppose आपने कुछ भी खाया, आपने रोटी खाई, तो आपके मुंह में रखोगे, फिर आपके जो teeth हैं, हमारे teeth होते हैं, वो क्या करते? Food को chew करते, chew करना यानी bite करते हैं, हम break करते small small pieces के अंदर, ठीक है? As we chew, the saliva in our mouth mixes with the food. हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? थूक होता है। तो जैसे हमने रोटी खाया, तो हमारे जो saliva होता है, हमारा जो थूक होता है, वो रोटी के साथ क्या होता है? मिक्स हो जाता है। It mixes up with our food, okay? Saliva is a digestive liquid secreted by the salivary glands. Saliva क्या होता है? एक digestive liquid होता है। क्या होता है? Digestive liquid, जो कि कौन secrete करता है? Salivary glands. Salivary glands क्या होती है? ये यहाँ पे just आपके मुँह के ऊपर, okay? Saliva changes the insoluble starch in food into soluble sugar. तो आप लोगों के मन में जब वो क्वेश्चन उठ रहा था कि saliva क्या करता है, तो saliva क्या करता है? जो insoluble starch होता है हमारे food के अंदर, उसको क्या करता है? सॉल्युबल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। इनसॉल्युबल यानी जो हमारी वाटर के अंदर जो सॉल्युबल नहीं हो रहा है, स्टार्च होता है ना, हम जैसे आलू के अंदर स्टार्च होता है, राइस के अंदर स्टार्च होता है, ठीक है, तो कुछ इनसॉल्युबल स्टार्च होता है वो उसको काय में कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल शुगर के अंदर, शुगर यानी शक्कर, ठीक है, ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर मिल सके, ठीक है। डेट इज वाई स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट स्वीट आफ्टर वी च्यू देम। हाँ, तो आप लोग जब भी ब्रेड खाते हो, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हम लोग उसे च्यू करते हैं, तो ब्रेड होता है वो मीठा टेस्ट देने लग जाता है। क्यों देता है? क्योंकि ब्रेड के अंदर स्टार्च होता है और सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है, और शुगर कैसी होती है? मीठी। तो हमें कैसा टेस्ट आता है? मीठा, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड passes through the food pipe into the stomach. तो हमारे माउथ से क्या होता है? फूड पास होता है स्टमक तक। अब हमें फूड हमें मिल गया, अब उसे पेट तक कैसे पहुंचाएंगे भाई? कैसे पहुंचाएंगे? हमें कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए ना। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? फूड पाइप होता है। क्या होता है? फूड पाइप। और हमारा जो भोजन हम जो माउथ के अंदर लेते हैं, वो डायरेक्ट हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाता है वाया फूड पाइप, ठीक है। अवर स्टमक इज अ होलो मस्क्यूलर बैग। हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है, वो होलो, होलो यानी खाली मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। द फूड इज चर्न्ड हियर। और जो हमारा फूड होता है वो यहाँ पे क्या होता है? चर्न्ड होता है। चर्न्ड मतलब क्या होता है पता है आपको? बताओ, सोचो। चर्न उसको चूरा जाता है, मथना,
ठीक है, पीसेस करना. ओके, तो द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉलर फॉर्म. तो जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं. क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. जैसे कि हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे ब्रेक करते हैं एक्चुअली के अंदर. क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म के अंदर. फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब फूड जो होता है स्टमक से वो कहाँ जाता है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है. द इनसाइड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस दैट मिक्स विद द फूड. और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जूस प्रोड्यूस होता है जो कि क्या करता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है. द लीवर एंड पैनक्रिया ऑल्सो पोर देयर जूसेस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. लीवर और जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं ये क्या करते हैं, जूसेस बनाते हैं. लीवर क्या बनाता है हमारे पास, बाइल जूस बनाता है, BILE. ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं बट मैं आपको बता रही हूँ, लीवर के अंदर बाइल जूस होता है जो कि क्या करता है, हमारे फैट्स और विटामिन्स को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है. ऐसे जो पैनक्रिया होता है ये भी जूस बनाता है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है. ठीक है, तो ये जो जूस बनाते हैं ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और इससे हमारा टोटल जो कंप्लीट ये क्या करते हैं, दीज जूसेस हेल्प टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फूड. ये क्या करते हैं, हमारे फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं. अगर कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स ये हमारे पैनक्रेटिक जूस के द्वारा हम डाइजेस्ट होते हैं और लीवर एक जूस सेक्रेट करता है जिसे कहते हैं बाइल जूस, वो क्या करता है हमारे फैट्स को और विटामिन्स को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, या मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है. द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड. और ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की तरह होता है. लिक्विड समझते हो ना. ओके, द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है जिसको हम पर्टिकुलरली विली कहते हैं, या आप आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर. तो ये क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको देखो विली क्या होता है, ब्लड वेसल होता है जो हमारे वॉल्स पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इसको अब्सॉर्ब कर लेता है जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है और वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम पूरी बॉडी के अंदर हम उसे क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा जो हम यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर के अंदर कन्वर्ट करती है. फूड पाइप क्या करता है, भोजन को स्टमक में पहुँचाता है, स्टमक में डाइजेस्ट होता है. फिर लीवर और पैनक्रियाज हमको जूसेस देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो अब्सॉर्ब हो जाता है जो अच्छा भोजन होता है. ठीक है, और जो जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकला है उसका क्या होगा, द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो भोजन जो पचा नहीं होता वो क्या में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन. ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जॉइंट दिख रहा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है. द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर. वो क्या करता है, उसके अंदर थोड़ा पानी रहता है ना लिक्विड फॉर्म में, तो एक्स्ट्रा वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है. देन क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, एनस के अंदर पहुंच जाता है व्हेन वी गो टू द टॉयलेट. और हमारी बॉडी से वो कैसे पास होता है, एनस के थ्रू. ये हमारा एनस है, क्या है ये, एनस है. इसमें क्या होता है, हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है हमारी बॉडी से. ठीक है, सम टिप्स फॉर द प्रॉपर डाइजेशन. देखो डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं. ठीक है, तो हमें ये टिप्स फॉलो करना चाहिए जिसके कारण हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है. अगर हम देखो मैं बताती हूँ, हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स. हमें हमारा भोजन फिक्स्ड आवर में करना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम दिन भर ही खाना खा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं. मतलब हमको सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम हमको फिक्स कर लेना चाहिए कि भैया 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, देन हम 12 बजे खाना खा लेंगे और फिर हम शाम को 6-7 बजे तक हम हमारा डिनर कर लेंगे, या फिर 3-4 बजे के आसपास आप स्नैक्स ले लीजिए. तो यहाँ पर फिक्स होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम इस शेड्यूल को बिगाड़ रहे हैं और हम कभी भी भोजन कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर विथ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें हमारे आवर्स फिक्स कर लेने चाहिए. च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलोइंग. हमको हमारे भोजन को अच्छी तरह से च्यू करना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ भोजन गटक लिया तो वो हमारे डाइजेशन के अंदर प्रॉपर नहीं हो पाता हमारा डाइजेशन, अगर हम उसको च्यू नहीं करेंगे तो. हमारे भोजन को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, च्यू करना पड़ेगा, अच्छे से उसको चबाना पड़ेगा. ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना चाहिए. क्यों, क्योंकि उसमें होता है रफेज, और रफेज क्या करता है, प्रॉपर डाइजेशन के अंदर हमारी हेल्प करता है.
डू नॉट ओवर ईट. हमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जितनी हमें भूख है उतना ही खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो हम ज्यादा ज्यादा खाए जा रहे, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर अफेक्ट होता है. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ठीक है. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फूड, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर, जो फूड जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के अंदर जो रिच होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. ओके. रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड. ये प्रेजेंट इन अवर फूड है, ठीक है. मिसप्रिंट हुआ है प्रोटीन का, ये है प्रेजेंट इन अवर फूड. रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन अवर फूड, ठीक है. डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लड, कौन अब्सॉर्ब करता है, वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या करते हैं, वेसल्स जो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव फूड को अब्सॉर्ब करती है ब्लड के अंदर. अब हम भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम भोजन बनाते कैसे हैं. वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड, हम क्या करते हैं, कच्चा पदार्थ भी खाते हैं भोजन का और कुक्ड पदार्थ भी खाते हैं. जैसे रॉ मतलब जैसे हम लोग ककड़ी रॉ खाते हैं और फ्रूट्स हम रॉ खाते हैं. और कुक्ड कैसे करते हैं, हम सब्जियां बना लेते हैं. फ्रूट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, ठीक है ना. रॉ यानी कच्चा, फ्रूट सारे हम वैसे ऑलमोस्ट सारे फ्रूट हम कच्चे खाते हैं और वेजिटेबल्स जैसे कि हम ककड़ी कुकुम्बर हम वो उसको रॉ खाते हैं. और हम लोग कैरेट को रॉ खाते हैं, रेडिश को, रेडिश यानी मूली हम उसको भी रॉ खाते हैं, ठीक है ना, कच्चा खाते हैं, ठीक है. ये खाना है. ओके. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट टेस्टी एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, कुकिंग क्या करते हैं हमारे फूड को क्या करती है, सॉफ्ट कर देती है, टेस्टी कर देती है और ईजिली डाइजेस्टेबल कर देती है. वी शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग सो एज टू फ्री देम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स. हमको हमारे जो रॉ मटेरियल्स हमारे वेजिटेबल्स उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए ताकि उसमें से जितनी भी डस्ट और जितने भी जर्म्स हैं वो अच्छे से साफ हो जाए. जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप मैंगो खा रहे हैं, आपको मैंगो को पहले वॉश कर लेना चाहिए फिर खाना चाहिए. अदर्स टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, दूसरा जो खाना है उसको हम कुक कर लेते हैं. सम फूड सच एज राइस पोटैटोज आर बॉइल्ड, ठीक है. राइस और पोटैटो को बॉइल किया जाता है. इडली आर स्टीम, इडली को स्टीम किया जाता है. पूड़ी को फ्राई किया जाता है. पोटैटोज ब्रिंजल्स एंड मीट आर समटाइम रोस्टेड, इनको रोस्ट किया जाता है. कुकिंग मेक्स फूड्स, ये अंडरलाइन कर लो, कुकिंग क्या करती है, मेक्स फूड सॉफ्ट टेस्टी एंड ईजिली डाइजेस्टिबल, ठीक है. इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड, और हमारे भोजन के जो जर्म्स होते हैं उसको किल कर देती है, क्या कर देती है, मार देती है. थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर सोक्ड, इट कंटेन्स विटामिन यूज फॉर कुकिंग. ओके. तो जो भी पल्सेस जो होती है ना दालें, उनको हम क्या करते हैं, जिस पानी के अंदर हम उसे सोक करते हैं, हम जिसे भिगोते हैं ना, उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, विटामिन होते हैं. तो हम उसे फर्दर कुकिंग के अंदर हम उसे यूज कर सकते हैं. मतलब आप डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आफ्टर कटिंग दैम, अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करने के बाद अगर उसे वॉश करते हैं तो उसके विटामिन सब चले जाते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए, उसको कट करने से पहले ही वॉश करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए. वाइल बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इज नॉट थ्रोन अवे. जब आप किसी भी चीज को बॉइल कर रहे हो तो हमको उतना इनफ पानी देना चाहिए कि जो भोजन है वो अब्सॉर्ब कर ले न्यूट्रिएंट्स को, वो हमको फेंकना ज्यादा ना पड़े, ठीक है. डू नॉट ओवर कुक, टू मच रोस्टिंग एंड फ्राइंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स. हमको ज्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए. कुकिंग से क्या होता है, ज्यादा रोस्टिंग और फ्राइंग से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ये थोड़ा क्लियर नहीं है प्रिजर्विंग फूड, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, जिनके पास बुक्स है वो देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा पीडीएफ में क्लियर नहीं आया है. फूड इज वैल्यूएबल, इट इज नॉट, इफ नॉट प्रिजर्व्ड इट मे बिगिंस टू स्पॉइल. ओके. फूड बहुत वैल्यूएबल है, अगर हमने इसको प्रिजर्व नहीं किया तो वो क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन.
ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को इस टाइप से ट्रीट करते हैं कि वो प्रिजर्व कर लेता है उसकी वैल्यू, उसके न्यूट्रिएंट्स को एक बहुत लंबे समय के लिए। तो सब हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं। कुक्ड और अनकुक फूड कैन बी प्रिजर्व इन डिफरेंट वेज। जो पकाया गया भोजन और अनकुक भोजन उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं डिफरेंट वेज के अंदर। ये हमको वेज दे रखे हैं। देखो, हम इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर कर सकते हैं, दूध को बॉयल कर लेते हैं तो प्रिजर्व हो जाता है, कैनिंग कर लेते हैं, स्वीट सारी कैन के अंदर आती है, फ्रूटी जो आप पीते हैं वो भी कैन के अंदर आती है, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं ना कैन के अंदर, पिकलिंग हम क्या करते हैं अचार बना लेते तो प्रिजर्वेशन हो जाता है। आपकी मम्मी अचार बनाती होगी, आपकी दादी अचार बनाती होगी, जेली। देखो, पिकलिंग और जेली के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि पिकलिंग जो होता है हम अचार बनाते हो क्या, किस चीज से बनाते हैं, सॉल्ट से बनाते हैं। और जेली, जेली आप लोग खाते हैं ना ब्रेड के ऊपर जैम लगा के, आता है किसान का एक जैम, सब बच्चे यूज करते हो उसे ब्रेड के ऊपर लगा के, स्प्रेड लगा लेते हैं तो शुगर का बनता है, मीठा होता है ना टेस्ट के अंदर। और ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है, मटर जैसे हम ड्राई कर लेते हैं, और जितने भी आपके पाउडर आते हैं मिल्क पाउडर, ये सब ड्राई होते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको आपकी फेयर कॉपी के अंदर चैप्टर का नेम डालना है, और इसके आगे हम एक्सरसाइज कराऊंगी मैं आपको, ओके। तब तक के लिए गुड बाय। और जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कराए हैं उसे आपकी बुक के अंदर अंडरलाइन कर लीजिएगा, और कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, या फिर व्हाट्सएप के अंदर बता देना, ओके। सी या बाय।